तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपने मोबाइल के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग की है, उसको यदि आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जब भी आप रिकॉर्डिंग की हुई कॉल्स को किसी और को भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपके मोबाइल के अंदर ये जो डायलर है जो कि गूगल का है, तो आप उसको ऐसे खोलना है। और खोलने के बाद अब यदि आपने कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग की है, उसको यदि आप किसी और को भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके नाम पर या फिर आपको उसके नंबर पर इस प्रकार से क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी कॉल रिकॉर्डिंग की है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब यदि आप उसको सुनना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद प्ले करके और स्पीकर को चालू करके यहाँ पे सुन भी सकते हैं। और यदि आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो शेयर का आइकन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आप व्हाट्सएप पर जिसको भी भेजना चाहते हैं आपको उस पर ऐसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सैरो पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो किसी और के पास ऐसे चली जाती है। फिर वो यदि इसको सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो ये प्ले का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके वो सुन भी सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।